हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे कि एब्सेंट नेजल बोन कभी कभी जो अल्ट्रासाउंड में दी जाती है उसकी क्या वैल्यू और वो क्या सिग्निफाई करता है। कभी कभी जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एनटी स्कैन जिसमें न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होती है, तो एनटी स्कैन में क्या होता है कि बच्चे की गर्दन के पीछे का पानी की थिकनेस को हम मेजर करते हैं और वो अगर 3-3.5 मिलीमीटर से ऊपर होती है तो उस बच्चे में कुछ अनुवांशिक बीमारियां होने का खतरा हो सकता है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। तो ये जो एनटी स्कैन है ये 12 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन की प्रेगनेंसी में कराया जाता है। उसी समय हम बच्चे की नेज़ल बोन को भी देखते हैं। अगर नेज़ल बोन एब्सेंट है इसका मतलब है कि ये बच्चे में कुछ अनुवांशिक बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, यानी कि क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज का ये इंडिकेटर हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में आपको पता होगा कि मेंटली रिटार्डेड बेबीज़ होते हैं और भी उनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। तो अब जब हमारा ये नेज़ल बोन एब्सेंट आ गया है तब हम नेक्स्ट किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो ये जो टेस्ट चल रहा है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कर रहे हैं, तो इस समय हम डबल मार्कर टेस्ट जो कि मदर से ब्लड लिया जाता है और उसको बीटा एचसीजी और पैपे के लिए टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए के लिए, तो हम वो करा सकते हैं। और फिर हम एक सिस्टम में फीड करते हैं डबल मार्कर टेस्ट की वैल्यू और एनटी स्कैन, तो हमें एक रिस्क निकल के आती है कि इस पेशेंट में कितनी रिस्क है कि इसमें ट्राइसोमी या कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी हो सकती है। तो इसके बाद अगर हम चाहें तो हम एक सेल्फ्री डीएनए का टेस्ट भी करा सकते हैं। सेल्फ्री डीएनए भी मदर के ब्लड से लिया जाता है और उसमें जो है ये भी डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ को, इसका हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है ये उनके लिए। तो अगर ये सब निकल के आता है तो हम पेशेंट को एक ऑप्शन देते हैं, चॉइस देते हैं कि भाई आपकी एज को देख के और आपके ये सब वैल्यूज़ को देख के आपकी इतनी रिस्क निकल के आ रही है, जैसे 1 in 250 मतलब कि 50 में से 49 टाइम्स तो पेशेंट नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक चांस है 50 पेशेंट में से कि उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो फिर वो पेशेंट की चॉइस होती है कि वो प्रेगनेंसी को 16 हफ्ते तक ले जाए, तो 16th वीक्स पे फिर हम एक एनामली स्कैन कर सकते हैं। वैसे तो 18 से 20 हफ्ते पे हम अल्ट्रासाउंड से एक एनामली स्कैन हमें पता चलेगा। तो और अब हम जो है दोबारा रीअसेस करेंगे पेशेंट को, और क्वाड्रिपल टेस्ट भी किया जा सकता है, वो भी ब्लड टेस्ट है, उसमें भी एक रिस्क निकल के आएगी। तो फिर हमें एक ओवरऑल रिस्क पता चलेगी कि कम्बाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमने पहले डबल मार्कर किया था और क्वाड्रिपल टेस्ट और एनटी की वैल्यू और एब्सेंट नेजल बोन, तो अब क्या, और एनिमली स्कैन भी साथ में हो गया कि बच्चे में वाकई क्या डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी या और किसी अनुवांशिक बीमारी की चॉइस चांसेस हैं कि नहीं है। और फिर वो पेशेंट को चॉइस दी जाती है कि आप इसका इतनी रिस्क है और आपकी, तो आप इसका मिसकैरेज अबॉर्शन करवाना चाहेंगे या इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो 16 से 18 हफ्ते के बाद जो है ये तो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि उसमें हम नीडल टेस्ट एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेट में से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है अल्ट्रासाउंड की गाइडेड सिरिंज से, बड़ी नीडल से, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं कि इसमें पेशेंट के कोई अनुवांशिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी होने के चांसेस हैं कि नहीं है। ऐसे ही हम 12 हफ्ते के आसपास कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हैं जो कि इन्वेजिव टेस्ट है कि जिसमें आप प्लेसेंटा से थोड़ा सा टिश्यू निकाल के आप उसको स्टडी करते हैं। फिर पेशेंट को हम एक रिस्क बता सकते हैं कि इतनी परसेंट चांस है। तो कई बार प्रेगनेंसीज बहुत प्रेशर्स होती हैं, पेशेंट जो है आईवीएफ से कंसीव करता है या फिर बहुत सालों बाद कंसीव करता है, या फैमिली में कभी डाउन सिंड्रोम बेबी की रिस्क होती है और इस समय पेशेंट रिस्क नहीं लेना चाहता, और अदरवाइज़ भी कॉन्जेनेटल एनामलस बेबी को डिलीवर करके पूरे टर्म तक ले जाने से, आखिर के महीनों तक ले जाने से, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी है तो हम उसको अबॉर्शन करके निकाल सकते हैं, ये सब बातें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, और
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपको पता चल सके प्रेगनेंसी से रिलेटेड और फीमेल्स की हेल्थ से रिलेटेड। मेरे पास एटलीस्ट 250 वीडियोस हैं। अल्ट्रासाउंड का एक वीडियो है कि कब कब कराना चाहिए, तो वो सब आप देखिए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।